दोस्तों, आप फ्लिपकार्ट की तरफ से स्टार्ट होने वाला है बिग 7 डे सेल्स, जहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन बहुत सारे लोएस्ट प्राइस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सेल आपके लिए सही है? क्या इस सेल में जो भी स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, इस स्मार्टफोन को आपको खरीदना चाहिए? क्या ये सारे स्मार्टफोन का आपको खरीदना सही होगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे फ्लिपकार्ट बिग 7 डे सेल्स के बारे में। साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये सारा स्मार्टफोन को खरीदना आपके लिए सही होगा या नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं मोबाइल चेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करें फ्लिपकार्ट बिग 7 डे सेल्स के बारे में। तो दोस्तों देखिए, और फ्लिपकार्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बिग 7 डे सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 1,000 या फिर 1,500 या फिर आपको 2,000 तक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा हर एक स्मार्टफोन में। लेकिन दोस्तों, ये सारे 4G स्मार्टफोन से। जी हाँ दोस्तों, ये सारे 4G स्मार्टफोन से। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी स्मार्टफोन नहीं है, कोई भी अच्छा स्मार्टफोन नहीं है और आप फर्स्ट टाइम ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों आप आसानी से खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट बिग 7 डे सेल से, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आप आसानी से सारे स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी 4G स्मार्टफोन है जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और आपने खरीदा है और आप फिर सोच रहे हैं कि फ्लिपकार्ट बिग 7 डे सेल्स में स्मार्टफोन खरीदने के लिए, दोस्तों आप बिल्कुल भी मत खरीदना। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, देखिए दोस्तों, 2021 आ रहा है और 2021 में आपको 5G इंडिया में देखने को मिल सकता है और सर 5G स्मार्टफोन भी इंडिया में लॉन्च हो गया, जैसे कि जियो 4G इंडिया में लॉन्च हुआ था और इसके साथ साथ बहुत सारे 4G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ था और बहुत ही कम प्राइस में। तो अगर आप अभी से कोई भी स्मार्टफोन खरीदने गए, यानी 2-3 महीने बाद जो भी 5G स्मार्टफोन आएगा, क्या इस स्मार्टफोन का बाय कर सकते हैं? क्या स्मार्टफोन को आप अफोर्ड कर सकते हैं? अगर आप 1-2 महीने में कोई एक एक स्मार्टफोन चेंज करते रहते हैं, दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप 1-2 महीने में एक एक स्मार्टफोन चेंज करते रहते हैं, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लिपकार्ट बिग 7 डे हो या फिर और कुछ ऑफर्स हो, यहाँ पर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप आसानी से और 2 स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं नेक्स्ट 2 महीने में। दोस्तों, जो लोग ऑलरेडी एक 4G स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और फिर सोचे हैं कि फ्लिपकार्ट बिग 7 डे सेल्स में स्मार्टफोन खरीदने के लिए, यहाँ पर आपको डिस्काउंट तो बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर आपको 4G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे के सारे 4G स्मार्टफोन मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फ्लिपकार्ट बिग 7 डे सेल से कोई भी स्मार्टफोन ना खरीदे जिसके पास ऑलरेडी 4G स्मार्टफोन है। दोस्तों, क्योंकि 2021 में जब भी 5G इंडिया में लॉन्च होगा, साथ साथ बहुत सारे स्मार्टफोन यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है और बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर के साथ भी लॉन्च होने वाला है बहुत सारे 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों, अगर आप ये फोन खरीदेंगे, तो दोस्तों क्या उस फोन को आप बाय कर सकते हैं जो भी 5G इंडिया में लॉन्च होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक ओपिनियन है, बाकी आप पे ऊपर निर्भर करता है कि आप फ्लिपकार्ट बिग 7 डेल से स्मार्टफोन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो दोस्तों आप खरीदें और 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, ये बताना मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपको बताया। दोस्तों, अगर मैंने कोई भी गलती किया है, दोस्तों मुझे माफ करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ अपने दोस्तों शेयर करना और दोस्तों नीचे कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको कुछ नॉलेज मिला या नहीं।